दोस्तों बहुत स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। मौसम विभाग ने लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 29 अप्रैल से 1 मई तक कैसे रहेगी मौसम गतिविधियां, आइए जानते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहे आप देश की सभी कैटेगरी के अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। चलते अपडेट की ओर, जान लेते हैं क्या है मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों चक्रवाती तूफान फनी जो है रौद्र रूप ले सकता है, ओडिशा में भूस्खलन की चेतावनी। दोस्तों मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में फनी चक्रवाती तूफान को तेज तूफान में बदल जाने की चेतावनी जारी की है। साथ ही विभाग ने बताया है कि तेज रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहे फनी चक्रवात की दिशा 1 मई से उत्तर पूर्व की ओर हो जाएगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में भूस्खलन का अनुमान भी जताया है। साथ ही केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। केरल के कुछ इलाकों में 29 और 30 अप्रैल को भारी बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु उत्तरी तटीय और आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय इलाकों में हल्की से सामान्य बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के उत्तर तटीय और ओडिशा के दक्षिण तटीय इलाकों में हल्की से सामान्य बारिश 2 मई को हो सकती है। 3 मई को ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 1 मई से 3 मई तक बंगाल की खाड़ी से लेकर तमिलनाडु, पांडुचेरी और जो है दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर तेज हवाएं चलेंगी। बता दें कि चक्रवाती फनी के कारण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में प्रशासन सतर्क है। जिला प्रशासन अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और कृष्णा जिला को पहले ही हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। फिलहाल मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट मौसम विभाग का, मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में आने वाली है भयंकर चक्रवाती तूफान और इन क्षेत्रों में आने वाली है भारी बारिश। तो यहाँ के लोग सावधान रहे, सतर्क रहे, वीडियो को अधिक से शेयर करें, लाइक करें, सुझाव हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा ताकि सभी लोग इस जानकारी से अवगत हो सके और सतर्क सावधान रह सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। तब तक लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।